ऐसे ऐसे रोड पे कचरा डाला हुआ है, इसीलिए मैं कचरे का डब्बा देने जा रही हूँ घर घर में, ताकि ऐसे यहाँ से डेंगू फैलता है, मच्छर फैलता है और लोग यहाँ पे बीमार होते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे कचरे के डब्बे देने जा रही हूँ। आज वुमेन्स डे है और जो हमारी एनजीओ है वहाँ की हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन हमारी एनजीओ है, हमने राखी जी के पास जाके अप्रोच किया कि क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो हम कुछ ऐसा करें जिसमें समाज में जागरूकता है, सफाई अभियान हम चलाएं, तो बेटी बचाओ देश बचाओ तो राखी जी ने बड़े ही उत्साह के साथ हमारा साथ दिया है। जहाँ हम इन्हें मीडिया लाइन में एक्टिव देखते हैं, वहीं इनका सामाजिक जो सेवा का एक पहलू है वो भी बड़ा स्ट्रांग है, तो उसी को धारा को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारे पास आई हैं और आपके सामने आज ये डस्टबिन सारे कचरे के डब्बे जो है डस्टबिन है वो इन्होंने डोनेट किए हैं और सभी स्त्रियों को जो है जागरूक कर रही है कि बाहर कचरा ना डाल करके घर की सारी सफाई जो है कचरे के डब्बे में डालें, ताकि हमारा घर भी साफ रहे और समाज में भी हम अपना हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ है, इन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने कहा है कि आज वुमेन्स डे है तो आप प्लीज आइए और जो ये कचरे के डब्बे जो है वो यहाँ पे सबको देने हैं, ताकि आपने रोड पे सड़क पर देखा कितना कचरा है, वहाँ से डेंगू मलेरिया सब फैलता है, इतनी बीमारी फैलती है, और जब मच्छर आते हैं डेंगू आता है तो ये देखकर नहीं आता कि अमीर है गरीब है, किसी को भी डसता है, चूता है, काटता है, उससे हजारों बीमारियां फैलती है और ये पूरी चौल सिस्टम है, पूरी झोपड़पट्टी है। तो मैं बस चाहती हूँ आज यहाँ पे बिकॉज वुमेन्स डे और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को हम बिलोंग करते हैं, हम बहुत खुश हैं कि आज राखी सावंत जी हमारे बीच है और इस वुमेन्स डे को जो है एक जितने भी वुमेन्स हैं उनको आज इस रूप में डोनेशन करके एक चैरिटी का जो है वो कर रही है, जो है वो बेसिकली काम करते हैं बेटी बचाओ देश बचाओ इस जो है उक्ति को हम साकार रूप देने के लिए आज हमने राखी सावंत जी को यहाँ बुलाया है, आप सभी देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ वितरण शुरू होगा, आप सभी ने उसका विस्तार।